अगर एनोंग से और रायले जाओगे ऑलमोस्ट मेरा जो सामान है वो डूबता डूबता बचा है भाई। ऐसी कहानी है, इस पानी में भी चल के आना पड़ता है। और तो उन्होंने ट्रैक्टर पे सवारी बना रखी है, ट्रैक्टर में भी शूट करवा रहा है इनसे। और ये मतलब शाहरुख उम्मीद करते हैं कभी इंडिया में भी ऐसा ही होगा। ये क्या मस्जिद है रुकने के लिए, लगभग ऑलमोस्ट इतना मेरा ये भीग गया था। ये चीज़ है, यहाँ से लेकर रायले बीच तक जाने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ यही है। यहाँ पे लॉन्ग टेल बोट सर्विस, देखते हैं क्या सीन है। इसमें 15 मिनट में पहुँचा देगी रायले वेस्ट बीच पे। यहाँ से 1 वे का 100 bahts है। कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया है इसमें, मैंगो शेक में, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। मेरा पेट भर गया भाई इससे पीते पीते, ये ख़त्म नहीं होके दे रहा। चलो खैर जो भी सीन है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कुछ ऐसी सी कहानी है। तो उसने कह दिया है कि आप यहाँ पे वेट करो भाई, लोग बैठे हुए हैं और वेट करने के लिए कहा है। और यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ ऐसा सा सीन है। और कह रहा है कि वेट करो, मैंने टिकट लिया था। ये सामने लॉन्ग टेल बोट है कि इसमें चलेंगे अभी। 200 baht का टिकट होता है, जब इनके भर जाती होगी वही। मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ से लेकर रायले बीच तक जाने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ यही है। तो उसने कहा है कि वेट करो, जैसे भर जाएगी उसके बाद चलेंगे। मतलब थोड़ा सा कह रहा 5-10 मिनट में वेट कर लो, ये तो नहीं कहा उसने, मुझे भर जाएगी। पर मैं समझ गया उसका ये मतलब है। तो यार काफ़ी ब्यूटीफुल है वैसे वाला बीच भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रायले वेस्ट वाला सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, रायले वेस्ट इज़ द बेस्ट है। तो वहीं पर जा रहे हैं। रायले में भी 2 बीचेज़ हैं, एक रायले वेस्ट, और हम जाएँगे रायले वेस्ट वहाँ से। तो रायले पे छोड़ेंगे मुझे पता है, क्योंकि पियर वहीं पे होगा और वहाँ से फिर वेस्ट वाले पे पैदल जाना पड़ेगा। तो भाई कुछ ऐसी सी कहानी है। तो चलो अभी मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी कार्ड मिलेगा नहीं और मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया है। और डालने में भाई 10-10, 20-20 घंटे का टाइम दिखा रहा है। अगर मैं लैपटॉप में डालता हूँ इसे, तो बेटर यही है कि मैं छोटी छोटी वीडियो फ़िलहाल के लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी कार्ड मिलता है बैंकॉक में। यहाँ जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देंगे, बिना वजह के कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखता हूँ मैं रात को आज जाके लगा के छोड़ दूँगा, सुबह तक सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फ़िलहाल काम। तो भाई कुछ ऐसी सी कहानी है, इस पानी में भी चल के आना पड़ता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा फ़ोन अभी गया था, फ़ोन डूबता डूबता बचा। तो सब सामान बैग में डाल लेना। अगर एनोंग से और रायले जाओगे ऑलमोस्ट मेरा जो सामान है वो डूबता डूबता बचा है भाई। मेरी जेब में जो फ़ोन है उसमें पानी आने वाला था, लहरों को मैं फटाफट चढ़ गया। तो कुछ ऐसी सी कहानी है, आप देख सकते होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट का ही रास्ता है। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या सीन है। moments later. तो यार देख सकते होंगे आप ऐसा सा सीन है यहाँ पे, और ये बोट वाले जो है ना आधे में छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से आपको आना पड़ता है। लगभग ऑलमोस्ट इतना मेरा ये भीग गया था, ये चीज़ है। और यार आधे में तो नहीं, मेरे मुंह से आधा निकल गया, मतलब इतनी दूर छोड़ते हैं और फिर पाप को चल के आना पड़ता है। तो बेसिकली वैसे यार ये बोट राइड मुझे तो बकवासी लगी, बहुत क्रेजी है, क्योंकि ना तो इसमें आप वीडियो बना सकते ना कुछ कर सकते, और ये पानी और फेंकती है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, फाइनली इसमें पहली बार बैठा हूँ मैं, कि भाई इसमें बिल्कुल मत बैठना अगर आप मायाबे वगैरह के टूर पे जाओ, ठीक है। इसमें सिर्फ वहीं बैठना जहाँ मजबूरी हो और कोई ना मिलती हो, क्योंकि ये जो है ना बहुत पानी फेंकती है, बहुत बेकार है, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। साइडों से पानी फेंक रही थी, कैमरे का और मोबाइल का इतना खतरा हो रहा था ना, मुझे हाथ मतलब बैग के अंदर अलग ही रखने पड़े, वीडियो में बना नहीं सका। ये चीज़ अच्छे से बहुत मुश्किल से एक दो वीडियो बनाई होंगी मैंने। तो अगर आप मायाबे वगैरह के टूर पे जाओगे तो मैं कहूँगा कि स्पीड बोट का यूज़ करना, इसका यूज़ मत करना, राइट। तो खैर जो भी है यार, चलो फटाफट से अब हम चलते हैं राइले वेस्ट बीच की तरफ। ये तो मतलब इनका एक तरह से हार्बर सा है, अब पता नहीं मुझे राइले वेस्ट यही है क्या या दूसरा है, तो मैं एक बार चलता हूँ देखता हूँ, मुझे लगता है दूसरा होगा क्योंकि वो तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। तो चलो भाई मैं चलता हूँ। तो गाइस ऐसे कुछ नज़ारे हैं भाई, यहाँ को निकल के जाना है राइले वेस्ट पे। तो मैं तो यार यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं बाहर जैसे ही मैंने एंटर करा रेलवे में, भाई क्या बेहतरीन जगह है यहाँ पे रुकने के लिए। तो मैं तो तुम्हें ये कहूँगा कि किसी रिजॉर्ट में राइले में ही रुकना, ठीक है। राइले बीच पे, राइले बीच है, राइले बीच गूगल पर सर्च कर लेना, कि अगर आप कराबी के आसपास आ रहे हो या कराबी में आ रहे हो तो राइले बीच पर रुकना सबसे बेस्ट है, और घूमने जाना राइले वेस्ट पे, दिस इज़ द बेस्ट। सो लेट्स गो, I see that। ये क्या मस्त है रुकने के लिए, मतलब यार बढ़िया है। देखो प्राइवेट कॉटेज वोटेज सी है यहाँ, ये जो राइले है ना ये बढ़िया जगह लगी मुझे पर्सनली, ये चीज़ है। ये देखो उन्होंने ट्रैक्टर पे सवारी बना रखी है, ट्रैक्टर में जुगाड़ कर रखा है, और पीछे उसमें सीट है, उससे लेके जाते हैं यहाँ पे बीच बीच के थ्रू। आई थिंक ये बोट वोट तक कुछ आने का कुछ जुगाड़ होगा शायद, आई गेस। ऐसे तो ये भी बना रखा है पर कुछ और भी हो सकता है, डोंट नो, हो सकता है कहीं और ले जाने का हो। तो भाई अब हम पहुंचने वाले हैं रायले वेस्ट बीच पे। देखो दिखाता हूँ आपको कहाँ है रायले वेस्ट। तो यार ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो है रायले वाले बीचेस, लेकिन थोड़ा सा रिजॉर्ट वगैरह एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको ना यहाँ पे थोड़ा टाइम अच्छा बिता सकते हो। लेकिन अगर आपको चीपर ही चाहिए तो चीपर आपको फिर यू नो अनोंग में थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो चीपर नहीं मिलेगा, पर यहाँ से थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, मे बी 1000-2000 रुपये का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई चलो, लेकिन अगर यहाँ पे रुकोगे तो काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ से वापस अनोंग जाने के लिए अगर आपका होटल अनोंग में होगा, लास्ट बोट 7 बजे चलती है। तो ज़्यादातर लोग तो अगर दूसरी जगहों से जहाँ रुकते हैं आसपास रायले बीच पे आते हैं, वो जो बोट वाला बीच है ना, जहाँ पे बोट छोड़ती है वहीं से वापस चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। पर मैं बताना चाहूँगा रायले वेस्ट जो है वो बेस्ट है, राइट। तो अभी वहीं हम जा रहे हैं। तो देखो भाई ऐसा ऐसा सीन है कुछ। तो ये जो रायले वेस्ट है ना भाई, ये काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसके रास्ते बड़े घुमावदार से हैं भाई, अंदर से यहाँ जाओ आ जाओ। खैर चलो पहुँचने वाले, दिखाता हूँ अभी। It's a cool place, I really like it. ये काफ़ी सही है, पूरा इसकी वाइब वाला है, मज़ा आ रहा है। Amazing, this one is better. एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रायले वेस्ट बीच पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है भाई, आपका जुगाड़ हो गया। नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उसमें सब मिल जाएगा। तो भाई एक कहानी सुनो, मुझे घुमा फिरा के रास्ते ने यहीं पहुंचा दिया जहाँ से मैं चला था। ये रायले वेस्ट बीच ही था और वो दूसरा ईस्ट था जहाँ पे बाकी बोट्स वगैरह आती होंगी या जो भी है। हमारे बोट वाले ने हमें रायले वेस्ट पे छोड़ा था, तो बोट उधर भी आती है इधर भी आती है। हमें लकीली उसने इधर ही छोड़ दिया, मुझे ये पता नहीं था भाई, मैं उधर चला गया। और लोग यहाँ इतने महान हैं कि उन्होंने मुझे मना भी नहीं करा जाने से और कहा कि हाँ उधर जाइए। अब घूमते घूमते भाई पूरे इसका एक जो रिजॉर्ट वगैरह चक्कर लगवा के यहीं निकाल के लाके। मैं कह रहा यार ये तो जहाँ मैं आया था वैसा सही लग रहा है, कमाल है, क्रेजी। This is the end of this beach and we can go to other place maybe, right? So आप देख सकते होंगे भाई यही था पूरा सीन इस बीच का, ऐसा सा है। और मुझे वापस भी जाना पड़ेगा क्योंकि 7 बजे तक टिकट मिलती है। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सी जगह है ना, ये पता कर लेना आपको कहीं भी जाना हो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सस्ता पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो मतलब मैंने देखा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5 बजे भी बंद हो जाता है, 7 बजे हो जाता है। जैसे मैं जब फुकेत में वो बस देख रहा था जो जाती है जंगल सफारी जैसी एक बस सी होती है जो ओल्ड टाउन लेके जाती है, तो भाई वो 5 बजे शाम के बंद हो गई थी। और उसके बाद पैसों का कोई हिसाब नहीं है, मतलब सही बात कितने मांगेंगे, उससे मांगे मतलब 600 बात को सोचो ओल्ड टाउन जाने के लिए टैक्सी के, कोई दुख नहीं बनता भाई। 30 बात का टिकट है, सोचो इंडिया में 30 रुपये का टिकट हो, टैक्सी वाले 600 रुपये मांगे तुमसे एक छोटे से डिस्टेंस पे जाने के लिए। तो ये चीज़ ये इसी कहानी है यहाँ पे। तो इसी तरह से ये जो बोट है यहाँ से तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं है, बोट तो आपको लेनी लेनी है क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पर अगर आप मजबूरी में फंस जाओ टैक्सी ले तो सकते हो। यहाँ तो एक बीच से दूसरे बीच पर जाने के लिए आपको बोटें लेनी पड़ेगी, तो बोट 7 बजे चलती है। अगर आप लेट हो गए ना तो इसी आइलैंड पर रह जाओगे रात को यहीं रुकना पड़ेगा रेत में ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। रात को बीच पे ही सोना पड़ेगा आपको वरना, क्योंकि यहाँ से दूसरे उस आइलैंड पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मे भी अगर कोई प्राइवेट बोट रात के टाइम जाए तो जाए, फिर वो उग के दुख पैसे मांगेगा चीज़ें। अदरवाइज़ यहाँ पे जो पब्लिक ये वाली ट्रांसपोर्ट है बोट्स की, इनका टिकट मिलता रहता 100 बात का टिकट है, मतलब एक तरह से यहाँ की 100 की करेंसी का। तो वहाँ से उस वाले बीच से यहाँ आने के 100 और फिर 100 यहाँ से वापस जाने के। तो चलो मैं टिकट ले लेता हूँ यार, अब मैं चलूँगा बस, क्योंकि फालतू में लेट वेट हो गए ना तो फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा बीच सा भाई, दिखा दिया आपको। और चलो चलते हैं, ओके। तो भाई आप देख सकते होंगे कि ये भाई यहाँ पे ऐसे कर रहे थे, मतलब ये जो सामने भाई है ये वीडियो शूट करवा रहा है इनसे, और ये मतलब शाहरुख जरा पी के यहाँ पे नाच रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, फिर उन्होंने कहा वीडियो बन रही है। मैं इससे बात कर रहा हूँ भाई से, यू गाइस आर फ्रॉम रशिया, Russia? No. France. France, okay. Where are you from? I'm from India. India? Yeah. When you were speaking, I thought maybe like Russian language. No, it's French. It's French. Comment ça va? Ah, no. Krabi. Krabi. We are in Krabi, yeah. Oh, okay. And how much is from here to Krabi? 100 baht. 100, so they are taking 100 for everyone. You're staying here? No, no, I'm staying on Aonang. I also pay that like 100. Okay, it's a nice place where to stay, I think. Yeah, sure. If you तो यहाँ यार आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ना कोई भी कूड़ा वूड़ा नहीं डालता बीच पे, एकदम साफ़ सुथरे बीच है, एकदम फर्स्ट क्लास बाहर की तरह, राइट। और यहाँ कूड़ा डालना बिल्कुल मना है, तभी यहाँ पे मज़ा भी आता है घूमने में। उम्मीद करते हैं कभी इंडिया में भी ऐसा ही होगा। आई थिंक बीचेज़ के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए कि कोई भी भाई बिल्कुल नहीं डालेगा। पहले बीच से तो स्टार्ट करो, बीच साफ़ होंगे तो धीरे धीरे लोग उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। जो लोग शायद हमारे वहाँ कूड़ा डालते हैं वो यहीं आके बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना भाई, कोशिश करो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को भी हम साफ़ सुथरा बनाएं, अच्छा लगेगा। फिर कोई कहेगा कि इंडिया में मज़ा आया, क्लीन है, यू नो। तो ये चीज़ है। तो चलो यार मैं एक बार टिकट ले लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो भाई कहानी ऐसी है कि यहाँ से वापस जाने के लिए जो टिकट है वो है तो 100 बात का ही, यानी कि रेलवे से अओनांग बीच वापस जाने के लिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर जो है वो अगर आप 6 बजे के बाद जाओगे तो वो 150 का हो जाएगा, ठीक है। 6 बजे के बाद जाने में 150 बात लेंगे, ये मतलब इन्होंने नौटंकी बना रखी है पूरी। तो अभी 6 बज गए, मैंने सोचा मैं क्या ही करूँगा यहाँ पे, सनसेट तो वहीं इंजॉय कर लेंगे या रास्ते में बोट में से देख लेंगे। तो भाई मैं अपना 100 बात का टिकट लेके वापस जा रहा हूँ अओनांग पे, जहाँ मेरा होटल है। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, मुझे उस लड़के ने सही कहा था, वो कह रहा था कि वहाँ पे 150 का मिलेगा और हम 7 बजे तक चलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से रिटर्न का ले सकते हो, 200 में आने जाने का हो जाएगा। तो मैं 1 घंटा और मिल जाता अगर मैं वहीं से ले लेता। ये मुझसे गलती हो गई। तो आप ध्यान रखना कि अओनांग से ही रिटर्न टिकट लेके आना, 200 बात का आने जाने का रायले तक का, ये चीज़ है, ठीक है। और तो उसमें क्या होगा, 200 का पड़ जाएगा और 7 बजे तक मेरे ख्याल में वो बोट वाला आपको वापस ले जाएगा, राइट। तो ये कहानी है। ओ भाई देख रहे हो मैं कितना भीग गया हूँ, मेरा पूरा गया यहाँ तक निक कर। ये जो है शॉर्ट्स मेरे पूरे भीग गए हैं, टी शर्ट में भी यहाँ तक पहुँच गया था पानी, ठीक है। मुझे चिंता हो रही थी अपने कैमरे की, बैटरी की, कैमरे की, फ़ोन्स की, सब भाई इसमें डाल लिया, ठीक है। अब तो मेरा तो बच गया वैसे, क्योंकि देखो ये क्या करते हैं, जब भी आप इन आइलैंड्स में या कराबी में ट्रैवल करोगे ना, इन बोट से या कभी भी ट्रैवल करो भाई, इन बोट से आप कहीं भी ट्रैवल करो तो ये बात ध्यान रख लेना कि ये लोग क्या करते हैं, ये आपको पानी में इतनी दूर उतारते हैं यहाँ से वहाँ तक, और वहाँ से आपको चल के आना पड़ता है। और भाई यहाँ तक पानी होता है। जहाँ से मैं चल के आया हूँ वहाँ से ये मान के चलो आप कि जहाँ पर मैं था अभी कराली, क्या नाम था उसका, जो बीच था जहाँ पे अभी मैं था, वेस्ट बीच जो था अभी, वो बेसिकली उसमें तो और दूर खड़ी थी बोट भाई, उसमें तो और ऊपर तक बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि स्विमिंग कर लो। और अब आप देख सकते होंगे कुछ ऐसा सा हिसाब किताब है भाई। और यहाँ पे हो रहा है सनसेट और वापस से मैं पहुँच चुका हूँ अपने रेलवे वेस्ट बीच पे, राइट। और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ही अपना टिकट लेके जाना रिटर्न की, अगर आप अओनांग पे रुकते हो, राइट। अओनांग से रिटर्न टिकट लेके जाना रेलवे वेस्ट की। तो रेलवे वेस्ट पे था मैं, यहाँ रेलवे वेस्ट नाम याद आ गया। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि 7 बजे तक रुक सकते हो, ठीक है। या फिर एक तरीका ये, अगर आप दिन में जाते हो 6 बजे तक शाम के, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 बात की मिलेगी। वरना ये है फिर 6 के बाद 150 की मिलेगी आने की। तो वो डिपेंड करता है, आप लेना चाहो ले भी सकते हो। मुझे वहाँ पे कुछ खास दिखा नहीं, मैं क्या यार अब क्या ही करूँ, ऐसे ही सनसेट यहाँ इन्जॉय करना, ऐसे ही दूसरे बीच पर इन्जॉय करना, राइट। यहाँ भी देखो दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं, ये देखो शाम होते होते सनसेट पे दुनिया भर के लोग आ गए। तो कुछ ऐसी सी कहानी है भाई इसकी। और अब देखते हैं, मैं आपको नाइट वाइट मार्केट थोड़ा सा घुमाता हूँ और उसके बाद जाके यार कुछ करेंगे, देखते हैं। पहले तो मैं चाय